रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण पर कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुझाव भी रखे हैं। मैं भी सदन को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कर ढांचे के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। बजट में करों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिए गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती है। वित्त मंत्री द्वारा करों में जो राहतें दी गई हैं उससे गरीबों को कुछ लाभ होगा, इसमें मुझे संदेह है। मेरे विचार से भारत की कर प्रणाली को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए। कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए जिससे आम लोगों पर इसका प्रभाव न पड़े। हम देखते हैं कि सरकार किसी वस्तु पर थोड़ा कर लगाती है, लेकिन बाजार में उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। कर बढ़ाने के साथ साथ सरकार को यह भी कहना चाहिए कि किस किस वस्तु के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और सरकार उसे रोक नहीं पाती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश की गरीब जनता को लाभ मिल सके। महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है। इस बात के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि भविष्य में मूल्यों में वृद्धि न हो। बजट में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जो असंतुलन है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इससे देश का विकास होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। बजट में किसानों के लाभ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसान मेहनत से अपने खेत में अनाज पैदा करता है। सरकार को चाहिए कि किसान के अनाज को बेचने की अच्छी व्यवस्था कर दे और उन्हें उचित मूल्य दिला दे। इससे किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जाए और उसमें ऐसे निर्णय लिए जाएं ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए
प्रजातंत्र है वह पूरा हो सके। स्टॉप।